अभी आए हुए थे जेपी पटेल जी को आप लोग सुने, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो भाई कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, कांग्रेस को बिल्कुल जी। कैसा लगा बातचीत से, सुने उनको? बहुत अच्छे हैं, ये तो पुराने हैं जी। हाँ, ये अपने बाबूजी का जो है वो लेकर के चले हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए पर चले हैं। आदरणीय टेकलाल महतो, टेकलाल बाबू 5 बार 6 बार विधायक रहे और इस राज्य का बहुत लंबे लड़ाई को लड़ा है, और लड़ाई लड़ने के बाद में इस क्षेत्र की जनता को, इस राज्य को, जनता को न्याय दिया। ऐसे तो हम लोग अखमुंदवा वोटर हैं, अखमुंदवा वोटर मतलब कांग्रेसी हैं, अखमुंद के कांग्रेस। और तो देंगे ही देंगे, भले वो 5 साल में एक बार आए, चाहे 3 साल में एक बार आए, या झलक दिखला के चले जाए, विकास हो चाहे नहीं हो, हम तो देंगे कांग्रेस को। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के चौपदार बलिया में इस वक्त हूँ। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेपी भाई पटेल प्रचार करके निकले हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है ये ना जी, बोला जाए। क्या लग रहा है माहौल? आप देख रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाओ चुनाव होगा, पहला। दूसरा, में देश का, पूरे भारत का संविधान बचाओ चुनाव होगा। 2019 में जो भारत सरकार ने जिस मुद्दा पर चुनाव लड़ा था, वो सारे मुद्दा से भटक गया। लोकतंत्र में सभी पार्टी का शुभकामना है, हार्दिक अभिनंदन है, प्रजातंत्र है, लेकिन हाँ, लेकिन ये 24 का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, बिल्कुल भारत का जो नागरिक है, भारत की जो जनता है। लेकिन यह जेपी भाई पटेल कैसे उम्मीदवार लग रहे हैं? जेपी भाई पटेल एक नंबर उम्मीदवार लग रहे हैं, एक नंबर उम्मीदवार लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं बीजेपी से आए हैं, वो सब छोड़िए, वो सब होता है। ये आंदोलन, आंदोलनकारी और आंदोलन परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके पिताजी आदरणीय टेकलाल महतो, टेकलाल बाबू 5 बार 6 बार विधायक रहे और इस राज्य का बहुत लंबे लड़ाई को लड़ा है, और लड़ाई लड़ने के बाद में इस क्षेत्र की जनता को, इस राज्य को, जनता को न्याय दिया है। क्या क्या नाम है आपका? एमडी मुस्लिम। आप बोले प्रदेश सचिव, क्या बोलेंगे, क्या है माहौल, क्या देख पा रहे हैं? माहौल का माहौल सब ठीक है। अभी आए हुए थे जेपी पटेल जी को, आप लोग सुने, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो भाई कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, कांग्रेस को बिल्कुल जी। जेपी पटेल ऐसे परिचय था पहले या अभी चुनाव में ही भेट? नहीं, चुनाव मुलाकात हुई। कैसे लगे बातचीत? नहीं, अच्छा लगा, इसलिए मांडू का रहना, मांडू भी इंजाक बन चुका है, इसलिए माहौल तो मालूम अच्छा है। और दूसरे उम्मीदवार मनीष जायसवाल के साथ साथ और कई लोग, जायसवाल भी कभी देखे नहीं हम लोग, कभी पाए नहीं और परिचय दिए नहीं है, कैसे बताऊँ? आए भी नहीं है। बिल्कुल, क्या नाम है आप? क्या मैं बोलूँ आपको? अरे सब तो आप माहौल, वातावरण सब कुछ जान रहे हैं आप, और फिर पूछ रहे हैं मुझसे आप? ये तो काम ही है मेरा, ये पूरे आप चाहिए, आप अपने काम को करते जाइए, हम लोगों का जो माहौल है वो रहेगा ही, वही रहेगा जी। कैसा लगा बातचीत से, सुने उनको? बहुत अच्छे हैं, ये तो पुराने हैं जी। हाँ, ये अपने बाबूजी का जो है वो लेकर के चले हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए पर चले हैं, चलो उनका सपना पूरा हो जाए, चलिए जाइए। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कोई कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है? क्या तहसीन अहमद राजी, बोलिए। क्या अभी आए हुए थे जेपी भाई पटेल, उनको सुनने क्या लगा? बढ़िया है, ऐसे तो हम लोग अखमुंदवा वोटर हैं, अखमुंदवा वोटर मतलब कांग्रेसी हैं, अखमुंद के कांग्रेस। और तो देंगे ही देंगे, भले वो 5 साल में एक बार आए, चाहे 3 साल में एक बार आए, या झलक दिखला के चले जाए, विकास हो चाहे नहीं हो, हम तो देंगे कांग्रेस को। और कांग्रेस के लोग भी काम नहीं कर रहे हैं आपकी बात से ऐसा लगा? वो मैटर करता है कि करते या नहीं करते, हम तो आंख मूंद के देंगे ही देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन सोचना चाहिए कि विकास हो, अब विकास होना चाहिए, ठीक है? अब हम जिसको भी वोट दे, विकास होना चाहिए। ये बड़का गांव का इलाका है, यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं अम्बा प्रसाद, वो भी आई थी, तो क्या इन इलाकों में काम हो पाया उस हिसाब से? नहीं नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, युवा नेता है, युवा के बारे में सोच रही हैं, और हम लोग के लिए अच्छा है। तो अम्बा प्रसाद जैसे कि भी 5 साल से हैं, तो उनको उनको ही सोच के हम लोग वोट देंगे, और बढ़िया है, तो वोट दिया जाएगा कांग्रेस को इस बार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
the followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.